हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। मैंने ले लिया है 2 मैंगो, तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं मैंगो को। तो ये ले लिया है, इसको कट करना है। ये कितना अच्छे से पका हुआ है। ये देखिए, बहुत आसानी से ऐसे कट करने से निकल जाता है। बस इसी तरह से इसको भी कट कर लेंगे। तो इसको मिक्सर जार में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे करना है ग्राइंड। तो इस चम्मच की मदद से इसको निकालेंगे। चम्मच से एकदम आसानी से साफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे जार में ले लिया है ग्राइंड करने के लिए। तो अभी मुझे डालना है इसमें आइस। इतनी आइस है, आइस क्यूब्स को डाल लेंगे इसके अंदर। वो आइस क्यूब को डाल लिया है ऐड करना है इसमें थोड़ा सा दूध। ऑप्शनल नहीं है, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। तो आपको ऐड करना है तो करिए, नहीं करना है तो भी चलेगा, वैसे भी अच्छा लगता है। मैं बहुत थोड़ा सा ही दूध ऐड कर रही हूँ, और ये दूध बॉयल किया हुआ है, रूम टेम्परेचर में है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा, यानी कि 50 ml जैसा ऐड किया है। और ऐड करेंगे इसमें चीनी, अपने हिसाब से आपको जितना मीठा पीना हो सब से। तो मैं 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ चीनी। तो बस अब इसको कर लेना है ग्राइंड। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ग्राइंड कर लिया है। तो अब ऐड करते हैं, सर्व करते हैं। तो देखिए कितनी थिक बनी हुई है। आपको जैसे पसंद हो, थिक पसंद है थिक बनाइए, पतला पसंद है पतला बनाइए, वो तो आपके ऊपर है। और जो मार्केट में बनाते हैं वो ज़्यादा ऑरेंज होता है, वो पता नहीं मैंगो उनका वैसा होता है, या फिर हो सकता है कि कलर फूड वगैरह यूज़ करते हो, मुझे नहीं उतना आइडिया है। तो अब तो घर पे भाई ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपको कलर जैसा भी पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये कर लिया मैंने सर, अभी करना है मुझे इस पर गार्निश। तो मैं गार्निश करके दिखाऊंगी आप लोग को। तो स्ट्रॉ मैंने लगा दिया है जूस में। अगर आप लोग के पास टूटी फ्रूटी हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, मुझे नहीं मिला। तो मैं ये पिस्ता और काजू है, तो मैं इसी से थोड़ा सा गार्निश करने वाली हूँ। तो आप अपने हिसाब से, आपको जो भी पसंद हो वो आप गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो बताइए कैसा लगा। अगर आप लोग को इसमें थोड़ा ऑरेंज कलर ज़्यादा चाहिए, आम की अलग अलग क्वालिटी होती है, बहुत पके हुए होते हैं तो वो ऑरेंज कलर वैसे ही थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा पका हुआ नहीं लिया था। अगर आप लोग को ऑरेंज चाहिए तो कलर फूड या जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नेचुरली बनाया है, कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बस अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।